Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So a lot of you have been eagerly waiting for our crash course. कब से स्टार्ट होगा, क्या डिटेल्स होंगी एंड क्या क्या आप उसमें कवर करने वाले हो. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हों. ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट वो स्कोर्स नहीं आ रहे या जो एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा. ऑलरेडी शायद वो कहीं पे एनरोल्ड हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे थे बट जो जिस लेवल पे उनका टाइम इफेक्टिवली इस टाइम पे यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे थे. दे वॉन्ट कि ईजी का क्रैश कोर्स कब आएगा, बहुत ज़्यादा वो वेट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे उसके लिए. तो हम आज ये जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं. द नेम ऑफ द कोर्स इज कैट 500 क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्वांट्स, वीआरसी, डीएलआर तीनों ही सब्जेक्ट्स फुल फ्लेज्ड कवर करने वाले हैं. एंड जो स्टूडेंट शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है इस वेरिएंट में. एंड जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हैं बट थोड़ा सा स्कोर उनका अटक गया है तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, मॉक अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, एडवांस लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, रिविजन के लिए उनका रिक्वायरमेंट है, तो ये पैकेज उन सब चीज़ों को कवर करने वाला है. तो डिटेल्स एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ. इन केस आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप फर्दर कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ पाओगे. पहले मैं आपको एक बार डिटेल्स बता देता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस कोर्स की बात करें तो आपके पास में टॉपिक वाइज वीडियोज़ एंड लाइव क्लासेस का एक्सेस होगा. अब टॉपिक वाइज वीडियोज़ उन लोगों के लिए, जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपके पास फुल डे टाइम अवेलेबल है, आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपको कुछ टॉपिक्स में दिक्कत परेशानी है, कुछ टॉपिक्स आपके ऑलरेडी अच्छे लेवल पे कवर्ड हैं, तो कैसे प्रोसेस रहेगा. हम आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोज़ कवर करने के लिए देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, सो दैट आप अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर पाओ. एंड हर वीक में फॉर द टाइम बीइंग स्टार्टिंग में आपको 2 to 3 लाइव क्लासेस होंगी, जो कि वो लाइव क्लासेस बेस्ड होंगी जो आपको अपने वीडियोज़ दिया उनके ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराने के लिए, सो दैट आप जो वीडियोज़ कवर कर रहे हो उनका लाइव प्रैक्टिस भी आपका क्लास में होता रहे एंड आपका जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या एडवांस चीज़ें में करने में आपको दिक्कत है वो आप हैंडल कर पाओ. तो ये सिनेरियो जो है वो फॉर द टाइम बीइंग चलेगा टॉपिक वाइज वीडियोस का एंड लाइव क्लासेस का, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा. जो लाइव क्लासेस हैं आपकी सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं, सितंबर 1 से हम लोग शुरू कर देंगे. एंड जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जब भी आप एनरोलमेंट करते हो, मान लो आप आज एनरोलमेंट करते हो, तो विद इन 48 आवर्स आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट का. एंड कैसे उसको एक्सेस करना, क्या शेड्यूल आपका फॉलो होना चाहिए सो दैट आप कवरेज जल्दी से जल्दी कर पाओ, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे. आई नो आई यू वॉन्ट टू नो द प्राइस एज वेल, तो आपके लिए हैवी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, वरी मत करिए. अगर आप अर्ली बर्ड में डिस्काउंट का पार्ट बनते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा. तो डोंट वरी, मैं सारी डिटेल शेयर कर दूँ, देन मैं आपको प्राइसिंग के बारे में भी बता दूंगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट पोर्टल, सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का ये आता है, यार मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, मैंने टॉपिक पढ़ लिया है बट मुझे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए कि मैं क्या और ज़्यादा प्रैक्टिस मैं कर सकता हूँ. तो हमारा जो टेस्ट पोर्टल है पूरा का पूरा, अराउंड 400 टेस्ट आपको टॉपिक टेस्ट उसमें मिल जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा एक साथ. मान लो आपको अलजेब्रा में दिक्कत है, आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल होंगे. और मजे की बात ये है, हर एक क्वेश्चन के वीडियो साथ में अटैच्ड हैं, तो जो भी आप टेस्ट दोगे, आपको अप्रोच ऑलरेडी आता है बट आप और बेटर अप्रोच सीखना चाहते हो, तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो कवर करोगे एंड उससे आपको आइडिया लगता चला जाएगा एंड आप अगले टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करते रहोगे. अब ये टेस्ट जो है वो आप अपने एंड पे भी अटैम्प्ट कर सकते हो या फिर हम आपको शेड्यूल दे देंगे उस अकॉर्डिंग भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे ऑलरेडी हो. अगर आपका बेसिक ऑलरेडी अच्छे लेवल पे, आप एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारी अप्रोचेस से आप सीखना चाहते हो, आप डायरेक्टली टेस्ट देना चाहते हो, यू कैन डू दैट. बट अगर आप सिलेबस कंप्लीशन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो एंड उसी अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहते हो, यू कैन डू दैट. अच्छा, टेस्ट पोर्टल में एक चीज़ और आती है, आपको पता होगा ईजी के एलआरडीए बूस्टर के बारे में, क्वांट बूस्टर के बारे में, वीएआरसी बूस्टर के बारे में. तो इन सारे चीज़ों को हमने टेस्ट फॉर्म में क्रिएट किया है. जैसे ही आप टेस्ट पोर्टल दोगे, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बाकी डेली बेसिस पे न्यू जो टेस्ट अवेलेबल होंगी वो भी आपके पास अवेलेबल होते जाएंगे, जिसमें आपको एलआरडीए के एडवांस पजल्स, सेट थ्योरी जैसे परेशानी देता आपको मुझे पता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट में बहुत दिक्कत परेशानी रहता है कई बार, मिसलेनियस पजल्स जिनका कोई टॉपिक ही नहीं आता, पता ही नहीं भाई कहाँ से आ रहे हैं, नंबर ओरिएंटेड क्वेश्चंस की नंबर के साथ खेलना है बट टॉपिक का तो कोई नेम नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता उसको कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें एलआरडीए बूस्टर में कवर होंगी. क्वांट बूस्टर में जैसे लास्ट ईयर आपने देखा अलजेब्रा बहुत खतरनाक लेवल पर आ गया था, अरिथमेटिक बड़े अच्छे लेवल पर आया था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाए तो वो क्वांट बूस्टर का पार्ट होगा. वीएआरसी बूस्टर में अच्छे लेवल के आरसीज हो, वीए पार्ट हो, वो सारा कवरेज होगा. अच्छा, एक चीज़ और, आप जो भी अपने प्रैक्टिस करोगे ना, स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स में, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअल कैट पेपर्स जो हैं रिसेंट ईयर्स के वो भी अटैम्प्ट किए जाएँ. तो कैट का रेप्लीकेट, एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन हो गए कि जो एक्चुअल पेपर में आ चुके हैं उनका तो डिस्कशन कराएंगे, कुछ का वीडियोज आपको प्रोवाइड किया, टेस्ट दिया आपको वीडियो प्रोवाइड किया, कुछ का लाइव डिस्कशन कराया, इसके अलावा जो तरह के पजल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, क्वेश्चंस बन चुके हैं, उन्हीं के साथ मिलते जुलते क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज विद डिफरेंट स्टोरी लाइन आपको प्रोवाइड होगा, सो दैट अच्छे लेवल पे आपका प्रैक्टिस जो हो जाए. मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ओवरऑल आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड करने में, स्पेशली वो लोग जैसे जो मॉक दे रहा है 50 नंबर के आसपास अटक गया, 40 के आसपास अटक गया,
भाई 70-80-90 पे मैं कैसे जाऊं, क्या प्रोसेस फॉलो करूं मेरी चीजें इंप्रूव हो जाए, दो दो क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन मैं कैसे हर मॉक में सेक्शन में बढ़ा सकता हूं, वो हर एक चीज आपकी यहां से इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ईजी का अपने फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शनल्स अवेलेबल होंगे, क्वालिटी ऑफ द मॉक्स टॉप नॉच रहेगा, आप मॉक दोगे आपको समझ में आएगा कि भैया कोई चीज अटेम्प्ट करा है, अच्छे लेवल के मॉक्स आपको मिलेंगे, कुछ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐसा रखा जाएगा कि आपको बहुत हालत खराब हो जाए मॉक्स में स्कोर करने के लिए, कुछ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐसा होगा कि मॉडरेट लेवल के हों, सो दैट जैसा भी पेपर बने एग्जाम कंडीशंस में हम उसको हैंडल करने की सिचुएशन में रहें, क्वेश्चंस पिक करना डिफिकल्ट हो, एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट ना भी हो बट पिक करना डिफिकल्ट हो, कैसे उसको हैंडल किया जाए, तो हर तरह का मॉक जो है वो आपको मिलेगा, कुछ मॉडरेट डिफिकल्ट कुछ डिफिकल्ट, कि हम हर तरह से अपने आप को रेडी कर लें। इसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ 30 सेक्शनल्स भी मिलने वाले हैं, आपके मॉक्स एंड सेक्शनल्स हमारा प्लान है कि आपको 10 सितंबर से स्टार्ट करा दें, सो दैट 24th नवंबर तक आपको अच्छा एक 75 डेज का विंडो मिल जाए जिसमें आप मॉक्स अटेम्प्ट करो, एंड मजे की बात ये भी रहेगी कि आप हर एक मॉक का हर एक क्वेश्चन का वीडियो आप देख पाओगे, जैसे ही आप मॉक अटेम्प्ट करते हो आपको विंडो वाइज मॉक रिलीज होंगे कि यार इस दिन पे ये पर्टिकुलर मॉक आप दे सकते हो, ये दिन पे ये पर्टिकुलर मॉक दे सकते हो, आप दोगे उसका एनालिसिस करोगे, तरीके से ढंग से लग के एनालिसिस करना है सो दैट आप अपना इंप्रूवमेंट जो है वो कर पाओ, एनालिसिस का रोल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, तो वीडियोस प्रॉपर तरीके से कैसे आपको एग्जाम टाइम में हैंडल करना है वो क्वेश्चन वो सारी आपको आपके टेस्ट पोर्टल के अंदर अटैच्ड मिलेंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जो फुल लेंथ मॉक्स और सेक्शनल्स को कई बार हम हल्के में ले लेते हैं बट इसका रोल एक्चुअल में बहुत बड़ा है, उसका रीजन बता देता हूं। मान लो 30 फुल लेंथ मॉक्स हम लोग दे रहे हैं, 30 चलो नहीं दे पाया हर कोई, 25 तक तो एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि भाई सबको पहुंचना है, जिसके बाद टाइम थोड़ा सा अच्छा होगा वो 30 पे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 25 हम लोग मिनिमम देंगे, अगर 25 भी पकड़ के चले, अगर आप 25 मॉक्स दे रहे हो तो 25 मॉक्स में इतना हैवी जो रेंज है वो कवर हो जाता है, वीआरसी का बात करें, डीएलआर का बात करें या क्वांट का बात करें, इतना डिटेल्ड वे में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि इवन इफ आपकी गड़बड़ है बेसिक वाले पॉइंट पे कि आपने सिलेबस कंप्लीशन उतना इन डेप्थ नहीं किया है बट आप इन मॉक्स को तरीके से दे रहे हो, इसका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका एक्चुअल कैट में एस करने का स्कोप जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनका मॉक्स को पूरा रिलीजियसली हमें फॉलो करना है एंड उसका एनालिसिस तरीके से करना है कि मैं हर एक चीज को अपने लिए इंप्रूव कर पाऊं, अननेसेसरी में अटका ना रह जाऊं, मे बी मैं इस पर्टिकुलर स्कोर में हूं बट मैं इस पर्टिकुलर स्कोर से उठ के आगे स्कोर पे कैसे जा सकता हूं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। नाउ बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए, भाई मुझे ना मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, अगला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अरिथमेटिक के बाद अल्जेब्रा पे गया, अरिथमेटिक भूल गया भाई, अल्जेब्रा के बाद नंबर सिस्टम पे गया, अल्जेब्रा भूल रहा क्या करूँ, तो रिवीजन हमारा क्लासेस में रहेगा, लाइव क्लासेस में हम लोग बार 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 रिवीजन करते रहेंगे सो दैट चीजें भूलने का स्कोप खत्म हो जाए, आप जब भी मॉक दो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे हो कि यार मैंने अभी तो रिवाइज किया है, कुछ भी भूल नहीं रहा मुझे, सब कुछ मेरे माइंड में इंटैक्ट है, मैं एग्जाम टाइम में विदाउट सिली मिस्टेक्स अपने क्वेश्चन को सॉल्विंग जो है वो कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है क्वांट्स के लिए तो इस चीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलआरडी एंड वीआरसी में हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, उसमें हम लोग न्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस कभी लॉन्ग सेशंस के थ्रू, कभी नॉर्मल सेशंस के थ्रू, कभी टेस्ट के थ्रू, कभी रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, तो आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। मेन मुद्दा यह है कि यार लास्ट के जो टाइम बचे हैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन टॉप नॉच हो जाए, अगर वो हमने जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर लिया तो हम इस एग्जाम में बहुत बढ़िया लेवल पे एस कर पाएंगे। अभी भी हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 95 डेज का टाइम है, तो अगर इन 95 डेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से किया तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला, एक जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए, उनको थोड़ा और हार्डवर्क चाहिए, उनके लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो एक अच्छा कॉलेज अचीव करना चाहते हैं, टाइम अवेलेबिलिटी पूरा है, स्टार्ट अभी कर रहे हैं लेकिन डेडिकेटेड है, अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट दोनों में से कोई भी तो ये कोर्स आपके लिए है, आप इसमें से बहुत कुछ अचीव करके आगे निकल सकते हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एडवांस प्रैक्टिस क्लासेस, जो मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट पोर्टल में बताया था, बूस्टर वाली जो आपके टेस्ट अवेलेबल होंगे उन्हीं टेस्ट के लिए कुछ का लाइव डिस्कशन हो रहा होगा, कुछ की वीडियोज अवेलेबल हो रही होंगी, कुछ लॉन्ग सेशन हो रहे होंगे जहाँ पे मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, वो चाहे वीआरसी का बात हो, चाहे डीएलआर का बात हो, चाहे क्वांट्स का बात हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मॉक स्ट्रेटजी सेशंस, इसमें दो तरह की चीजें होंगी, एक तो जैसे आप मॉक अटेम्प्ट करते हो तो मॉक का लाइव अटेम्प्ट करके आपको दिखाया जाएगा कि भाई कैसे एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक आपने दिया उसका आपको एनालिसिस करके दिखाया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको राउंड वन में पिक करना चाहिए था, ये राउंड टू में पिक करना चाहिए था, या एग्जाम में ये पिक होना ही नहीं चाहिए, कैसे कोई क्वेश्चन आपको रखना है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आपके लिए एडिशनल यहाँ पे पॉइंट है, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज बाय करते हैं, वो मे बी आईएमएस का हो, मे बी टाइम का हो, मे बी सीएल का हो, अब तीनों टेस्ट सीरीज फॉलो करना तो फिजिबल नहीं है, तो हम एक कॉमन टेस्ट सीरीज पिक करते हैं आईएमएस का, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है आईएमएस का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाय करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करना, आप बाय नहीं करना चाहते तो इजी मॉक्स तो आपके पास रहेंगे ही, बट हम लोग अपने एंड पे आईएमएस के भी मॉक्स का लाइव एनालिसिस क्लास में कराते हैं, सो दैट आपको वहां का भी आइडिया दिया जाए कि कैसे आप मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड कैसे आपको उसका एनालिसिस करना है, क्या डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल है, कैसे ऑप्शन यूजेज कर सकते हो, कैसे किसी
किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको ये हेल्प कर देता है कि क्या वो पजल आपको पिक करना है एग्जाम सिनेरियो में या नहीं, तो हर एक चीज यहाँ पे आपका कवरेज जो हो जाएगा। मतलब हमारा मोटिव ये रहेगा कि यार एंड के डेज का एक भी दिन आपका ये सोचने में ना जाए कि भाई मुझे क्या करना है, आपको पहले से बना बनाया डेली प्लानर वीकली प्लानर मिल जाए, भाई इस दिन पे टेस्ट देना, इस दिन पे एनालिसिस करना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है, इस टाइम पे नया टॉपिक करना है, जो भी है बना बनाया मिल जाए, अननेसेसरी अपना दिमाग लगाने में और अपनी प्लानिंग करने में और प्रोक्रास्टिनेशन में जाने का आपके पास समय ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर लगे रह जाओ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। देन अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी रहते हैं यार मैं तो ठीक है मैं कैट तो दे ही रहा हूँ बट मुझे एनमैट और स्नैप का भी समझ में नहीं आ रहा कि डेज बहुत पास पास है, मैं इनको कैसे प्रिपेयर करूँ, कब मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स अलग हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ, तो वो सब चीज़ें ए टू जेड हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बनी बनाई खीर मिलने वाली है, आपको खानी है, अगर आप उसको खा पाए तरीके से तो आप जो है वो अपना पेपर जो है वो पूरा अच्छे लेवल पे जो है वो एस करने की कंडीशन में आ जाओगे। देखिए हमारे एंड पे एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा टारगेट ये है कि यार अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है क्या हम उससे उसका बेस्ट जो है वो निकलवा पा रहे हैं नहीं, उसके लिए हमें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की बात हो चाहे आपको वन टू वन गाइडेंस देने की बात हो, बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको कंसर्न्स आएंगे नहीं पता चल रहा कैसे प्रोसीड करना है, विल बी देयर, आपको हमसे पूछना है, हमें व्हाट्सएप आपके पास नंबर अवेलेबल होंगे, जो भी आपको दिक्कत परेशानी होगा आप पूछ के अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको बचेगा नहीं। हाँ जी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम फीस के बारे में बात करें तो आपको ये पता होगा कि वे टू आई एम वेरियंट हमारा 30,000 का वेरियंट है जिसमें हम लोग रेगुलर कोर्स और वे टू आई एम वेरियंट जो वो प्रोवाइड करते हैं, तो रेगुलर कोर्स का प्राइस हमारा 20K है प्लस अराउंड 5200 का हमारा ये वे टू आई एम वेरियंट रहता है। तो ये पूरा वे टू आई एम वेरियंट का जो टेस्ट पोर्टल है आपको इस कैट 500 कोर्स के अंदर इंक्लूडेड मिलेगा, आपको अलग से पे नहीं करना होगा कुछ भी, एंड जो हमारा जो वे टू आई एम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 30K, बट हम लोग ये जो कैट 500 कोर्स है इसको लॉन्च कर रहे हैं 20,000 रुपीज में, जिसके ऊपर भी आपके पास अर्ली बर्ड डिस्काउंट होगा जो कि फर्स्ट 2 डेज के लिए अवेलेबल होगा। इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट के थ्रू आपको ये 20,000 वाला जो वेरिएंट है ये सब कुछ जो ए टू जेड मैंने चीज़ें बताई सब कुछ 15,000 के अंदर जो मिल जाएगा। तो ये 2 दिन के लिए एप्लीकेबल है ऑफर, जो भी एनरोलमेंट लेना चाहता है आप एनरोलमेंट लेके अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो, लिमिटेड सीट्स रहेंगी इसके लिए, तो जिसको भी एनरोलमेंट लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करिए, अननेसेसरी इस चीज़ को डिले नहीं करिएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप ईजी का पार्ट बनते हो तो बेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि उससे नीचे काम बन नहीं पाएगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आप अपने एंड पे बेस्ट देने के लिए रेडी हो तो हम लोग आपको एश्योरेंस देते हैं कि आप इस प्रिपरेशन के थ्रू कुछ ना कुछ फ्रूटफुल अपने लिए जरूर निकाल पाओगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।